हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ माला एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद माला मैम। स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जो हमारा 2020-21 में ओपन स्कूल से अपना जो है एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि फॉर्म भरने तो स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं सबके पर्सनल जवाब नहीं दे सकती, इसलिए मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो बच्चों, लास्ट डेट जो है इसकी 5 जनवरी है, ठीक है। तो 5 जनवरी तक जो है आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब। और काफ़ी सारे बच्चों ने ये पूछ रखा है कि उन्होंने जो है 10th जो है पास आउट कर लिया है अभी हमारा 19-20 वाले सेशन में, ठीक है। तो अगर आप 19-20 के सेशन में 10th पास आउट किए हो, अगर आपको इस साल ही 12th का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हो ओपन स्कूलिंग से, तो आपको इसके लिए जो है परमिशन तो है, लेकिन आप सारे सब्जेक्ट में अपेयर नहीं हो सकते, ठीक है बच्चों। मैक्सिमम आपको 4th सब्जेक्ट, आपको पता है कि 12th में मैक्सिमम जो है हमें 5 सब्जेक्ट लेने होते हैं, ठीक है। मतलब 5 सब्जेक्ट आपको लेना होता है, तो आप जो है उन 5 सब्जेक्ट से अपना एग्ज़ाम नहीं दिला सकते हैं। आप कोई भी अपना 4 सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। 1 सब्जेक्ट को आपको अपना पेंडिंग रखना पड़ेगा, और उस सब्जेक्ट को आप जो है 2020 में, ठीक है, 2020 में दिलाकर फिर आप जो है 12th का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि हमने तो अभी 10th पास किया है, तो हम 11th का बिना मतलब गैप के हम कैसे 12th का एग्ज़ाम दिलाएं। तो बच्चों, CG के ओपन स्कूल में ऐसा प्रावधान है कि आप दिला सकते हैं, इसीलिए आपको सारे पेपर अलाउ नहीं कर रहे हैं, ताकि आपका जो रिज़ल्ट जो बनकर आए ना, ठीक है, जो वो आपका जो है 2020 का ही रहे, क्योंकि 10th आपका क्या रहेगा, 20 का रहेगा। फिर जो हमारा जो आपने 11th नहीं पढ़ा है वो हमारा 21 का हो जाएगा, और जो नेक्स्ट जो आपका जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो जो है 22 का रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इससे आपको प्रॉफिट क्या है ना, काफ़ी सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि हमें फ़ायदा क्या है। तो बच्चों, फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको जैसे कि आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है, तो आप चाहें तो अपना जो है मेन सब्जेक्ट में से एक इसमें ले लें। जैसे कि आपका बायोलॉजी है आपका बैकग्राउंड, तो आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। आपका हिंदी इंग्लिश तो लैंग्वेज हो गया, इसके अलावा आपको बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री लेना है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से अगर आपको 3 सब्जेक्ट टफ लग रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इस साल आप अपने 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है, और 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं इस साल, और अगले नेक्स्ट ईयर आप 3 सब्जेक्ट ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कर लीजिए इस साल आप अपने जो हैं 3 सब्जेक्ट लेकर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आपके लिए जो है एक सुविधा दी गई है, ठीक है बच्चों। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछकर जो है पूछ लीजिए, मैं आपको जो है अगर पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट जो है वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई अपडेट आता है तो वो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, बाय।